रेस्पेक्टेड टीचर्स, गुड मॉर्निंग। मुझे टीचर्स ने पूछा, सर 21st सेंचुरी में टीचर्स के लिए कौन सी स्किल्स मैंडेटरी हैं, और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। तो रेस्पेक्टेड टीचर्स, हमें अपने जॉब को रिटेन करने के लिए जो जॉब में हैं और जो जॉब में नहीं हैं अटेन करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए। देखो, हर प्रोफेशन की अपनी स्किल्स होती हैं और टीचिंग प्रोफेशन तो रियली इतना चैलेंजिंग प्रोफेशन है कि जब तक हम रोज कुछ नया नहीं सीखेंगे, रोज हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, हम इस इंडस्ट्री में अब सर्वाइव नहीं कर सकते। सो रेस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको केवल 4 वर्ड्स दे रहा हूं और ये 4 वर्ड्स यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल टीचर बना सकते हैं। आपने सीएट टायर का नाम तो सुना होगा, CEAT। ये सीएट टायर ही, ये 4 लेटर जो मैं आपको दे रहा हूं, CEAT, ये सीएट टायर के 4 जो लेटर्स हैं, आप इनको ध्यान से सुनिए। इसमें सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी। 21st सेंचुरी टीचर मस्ट बी क्रिएटिव। अब क्रिएटिव क्या होता है, हम सुनते तो रोज हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, मतलब दूसरों से हटके सोचना, डिफरेंट सोचना। देखो, ये टाइम ऐसा टाइम है जब आप मिनिमम टाइम में मिनिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट देते हैं तो डेफिनेटली आप एक क्रिएटिव टीचर कहलाएंगे। आप यदि ट्रेडिशनल हैं, केवल लेक्चर दिया और छोड़ दिया, चाहे बच्चे की समझ में आया या नहीं आया, तो आप इस सेंचुरी में डेफिनेट फेल होने वाले हैं। तो बी क्रिएटिव, अपना पढ़ाने का तरीका नया ढूंढो, इंटरेस्टिंग ढूंढो, उसको इजी बनाओ, उसको इफेक्टिव बनाओ, उनको बच्चों के हिसाब से आप डेवलप करो। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, यू हैव नो न्यू आइडिया, देन सर्टेनली यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल टीचर। और दूसरा लेटर आता है ई। ई का मतलब होता है इफिशियंट। रेस्पेक्टेड टीचर्स, हर प्रोफेशन में आज की डेट में एक्सपर्ट्स का टाइम है। इफ यू आर नॉट एफिशियंट इन योर सब्जेक्ट, इन योर टीचिंग मेथोडोलॉजी, देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू बी अ फेलियर। रेस्पेक्टेड टीचर्स, एक्सपर्ट्स, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन योर सब्जेक्ट, यू हैव टू एफिशियंट, परफॉर्म द बेस्ट वे विच एनी वन कैन डू इन योर प्रोफेशन। आपने इतने अच्छी तरह से पढ़ाना है अपने सब्जेक्ट को कि यदि कोई भी दुनिया का टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाए तो वो आपसे अच्छा ना पढ़ा पाए। देखो, मुझे कितना आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बच्चों को कितना दे पाता हूं और वो मुझसे कितना सीख पाते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फोकस जो है वो लर्निंग आउटकम पर होना चाहिए कि हमारे बच्चे मेरे पढ़ाने से सीख कितना रहे हैं। मैं एक्सपर्ट हूं वो मुझे पता है, लेकिन यदि मेरे बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो मेरी एक्सपर्टाइज का कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट लेटर आता है ए। ए का मतलब होता है अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टूडेंट्स। आप कहते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आपकी सारी बात ठीक है, बट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पेरेंट्स आपको किस बात की फीस दे रहा है, वो आपको किस बात के पैसे दे रहा है, यदि आप आंसरेबल नहीं हैं, रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं, अकाउंटेबल नहीं हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, देन फॉर व्हाट आर यू बीइंग पेड। तो डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको आंसरेबल बनना पड़ेगा। आप जिन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वो किसी भी क्लास के बच्चे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट में उन बच्चों को अच्छा बनाना, बेटर बनाना, उनको सिखाना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। और नेक्स्ट लेटर आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नो फ्रेंडली। डियर टीचर्स, आपको टेक्नो फ्रेंडली बनना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज आपको अपने लिए करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा, कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टीचिंग को आप इजी बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं,
इफेक्टिव बना सकते हैं बिना टेक्नोलॉजी के, अब 21st सेंचुरी में आपका सर्वाइवल बिल्कुल भी नहीं है। तो कीप फोर लेटर इन द माइंड, CEAT, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी, ई स्टैंड्स फॉर इफिशियंट, ए स्टैंड्स फॉर बी अकाउंटेबल और टी स्टैंड्स फॉर टेक्नो फ्रेंडली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।